चैप्टर नंबर 3 है जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ फर्स्ट ईयर का मैथ है, चैप्टर नंबर 3 है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे। अब हम इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स है क्या चीज और क्यों जरूरत पेश है, ये काम क्या करते हैं रियाजी के अंदर, हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन लोगों ने इनको बनाया था जी मिलकर। मैट्रिक्स जो है वो सबसे पहले एक अंग्रेजी रियाजीदान था, जेम्स लेवस्टर। उसके बाद केले ने इसको अपने काम के अंदर इस्तेमाल किया। उसने क्या काम किया था जी, उसने ट्रांसफॉर्मेशंस की थी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। असल में जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वेशंस को हल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इक्वेशंस का आपको पता है, अलजेब्रिक इक्वेशंस जो होती हैं उनको हल करने के मेथड्स काफी ज्यादा हैं हमारे पास, जिनमें से एक मैट्रिसेस भी है। और डिटरमिनेंट्स जो हैं वो मैट्रिसेस की एक स्पेशल किस्म है हमारे पास। तो जो डिटरमिनेंट्स है, तो कॉन्सेप्ट जो है वो चाइनीज और जापानी मैथमेटिशियंस ने दिया था, ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशंस को सिर्फ सॉल्व करता है। जो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स हैं ये हम लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनका यूज कहाँ होता है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है मेरे पास, और सी सॉरी डी एक्स प्लस ई वाई बराबर जेड है मेरे पास। तो इस तरह की जो लीनियर और सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं इनको हल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं जी। मैट्रिक्स मैट्रिक्स जो के साथ इसको भी हल करने का नेक्स्ट हमारे पास मेथड होंगे। कोई तो इसमें इनवर्स मेथड इस्तेमाल करता है और कोई इसमें हमारे पास क्रैमर रूल इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो हम इसके इंट्रोडक्शन में इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसकी टाइप्स पढ़ेंगे हम, और इसकी टाइप्स पढ़ने के बाद इसकी एक एक्सरसाइज है वो हम करेंगे, और इंशाल्लाह जो है वो मजीद हम इसमें आगे बढ़ते हुए पूरे पूरे लेक्चर हम इसके रिकॉर्ड करवाएंगे पूरी बुक के, और इसमें आपको बड़ी हेल्प मिलेगी जी। बच्चों अब हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। रेक्टेंगुलर अरे है, अरे का मतलब ये है कि जो इस तरतीब से अरेंज हो, ठीक है, ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद हो, इज कॉल्ड अ मैट्रिसेस, वो हमें मैट्रिसेस कहलाते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जांपल लिखी हुई है ये वाली, ठीक है। इसके अलावा एक अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है तो वो भी एक मैट्रिसेस है। देखिए आप जिस तरह से हमने सेट पढ़ा था, सेट के अंदर हमने इनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिसेस के अंदर, यहाँ पर तो सेट के अंदर तो हम कह देते थे कि जो बिल्कुल खाली है, जिसके अंदर कुछ नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, वो खाली सेट है। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि जो बगैर ब्रैकेट सिर्फ खाली है वो खाली मैट्रिसेस है, उसके अंदर जरूर कोई ना कोई एलिमेंट लिखा हुआ होगा हमारे पास, ठीक है। और उसके हमारे पास जो है दो चीज तीन चीजें होती हैं सेट के अंदर, तो सिर्फ मेंबर्स थे। अब यहाँ पर हमारे पास तीन चीजें हैं। एक ये है कि जो हमारे पास ये एक हॉरिजेंटल लाइन बनती है, ये दोनों हॉरिजेंटल्स हैं, ये क्या कहलाती हैं, ये रोज कहलाती हैं, ठीक है। रोज ये तरतीब से नंबर वाइज, ये रो नंबर 1 हो गई है, 1 है, ये रो नंबर 2 है, इधर आ जाएं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, रोज है हमारे पास, ठीक है। जो नंबर्स या एलिमेंट्स इसके हॉरिजेंटल होंगे वो रोज कहलाएंगे, और जो वर्टिकल होंगे ऊपर से नीचे, ऐसे ये ऐसे ऊपर से नीचे, इसे हम कॉलम कहेंगे, कॉलम, ठीक है। ये C1 कॉलम है, ये C2 है, ये C3 है, ये तीन कॉलम है इसके अंदर हमारे पास। तो ये आपने याद रखना है कि जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल नंबर्स लिखे होंगे, देखिए वही है, कोई मतलब ये नहीं है। जब हमने इसको वर्टिकली देखा तो ये कॉलम बन गया, जब हमने इसको हॉरिजेंटली देखा तो ये रो बन गई है हमारे पास। और इस दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीजें इस्तेमाल होंगी, नंबर ही इस्तेमाल होंगे, और ये नंबर जो है वो इसके अरकान कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे या मेंबर्स कहलाएंगे, हम इसको जो है इसकी एंट्रीज भी कह सकते हैं। और जनरली जो है एक मैट्रिसेस है, जनरल मैट्रिसेस जो हम लिख सकते हैं, आप लिख रहे A11,
पहली एंट्री पहला कॉलम पहली रो के साथ, ठीक है, पहली रो है, दूसरा कॉलम है, पहली रो है, तीसरा कॉलम है। अब आप इसको एन तक लिख सकते हैं, पहली रो है, एन कॉलम है इसके अंदर। इसी तरह से हम जो है वो नीचे की तरफ आ जाएं आप, तो आप यहाँ पर लिखनी है इसमें, ये आपके पास एम रो बन जाएगी, पहला कॉलम बन जाएगा एम रो, दूसरा कॉलम एम रो, तीसरा कॉलम, और इसी तरह चलते जाएंगे। तो एम रो है इसमें और एन इसके अंदर कॉलम बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स जो मेरे पास है वो एम एन आर्डर के साथ बन गई है। अब आर्डर क्या चीज है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद कॉलम जो रो की तादाद जो होती है वो उसका आर्डर बढ़ा देती है। किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो है वो उस मैट्रिक्स का आर्डर बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम पहले हम रोज लिखते हैं, फिर हम उसका कॉलम लिखते हैं। जैसे मैंने अभी यहां लिखा है, ये इसके रोज हैं और ये इसके कॉलम हैं, और इसको पढ़ना है एम बाई एन, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जो है इसके थोड़ी सी टाइप्स को डिस्कस करते हैं इधर। अच्छा जी, इसमें जो है वो जैसे मैंने यहाँ A11, A12, A13 ऐसे लिखे हुए हैं, तो ये चीजें क्या हैं जी, ये जो सब टाइटल्स में लिखे हुए हैं ये वाले छोटे, ये इसमें रोज और कॉलम्स की जगह को बता रहे हैं। अगर ये वाला ही रुकन यहाँ बाहर कहीं लिखा हुआ हो, A33 लिखा हो या लिखा हो A3N, तो इसका मतलब ये होगा कि तीसरी रो में एन कॉलम है मेरे पास, ठीक है। तीसरी रो में एन इसका कॉलम है मेरे पास, तो ये तीसरा कॉलम है, तीसरी रो है मेरे पास, ठीक है। तो ये एंट्रीज को शो, पोजीशन को शो करते हैं, इसलिए हम जब जनरल मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसमें ये लिखना पड़ेगा। और अगर हम वैसे ये जैसे ये मैट्रिक्स लिखे हुए थे इसको बताना है तो इसमें भी हम इसको रीअरेंज कर, जैसे ये -1 कहाँ लिखा हुआ है जी, -1 दूसरी रो में है और दूसरे कॉलम में है, तो हम लिखेंगे दूसरी रो है, दूसरा कॉलम है, -1 के इक्वल है ये एंट्री इसकी। तो ये हमारे पास इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट हम इसके जो है वो टाइप्स को पढ़ते हैं, कितनी टाइप्स हैं इसकी, काफी ज्यादा सारी टाइप्स हैं इसकी, तो हम इसको अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। रो मैट्रिक्स हम जो है इसकी टाइप्स शुरू करते हैं। मैट्रिक्स की रो मैट्रिक्स है और इसको हम रो वेक्टर भी कहते हैं। तो अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ओनली वन कॉलम, सॉरी रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, जैसे A11 है हमारे पास, 1 2 है, 1 3 अप टू सोन A1 एन, ये देखिए इसमें सिर्फ एक ही रो है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स बन गया है, या इसे हम रो वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। क्या और कहते हैं इसको, रो वेक्टर। इसी तरह हमारे पास जो है वो कॉलम है, कॉलम वेक्टर या मैट्रिक्स। तो इसमें भी जब हमारे पास एक मैट्रिक्स हो और उसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, ठीक है ना, मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ओनली वन कॉलम, जिसके अंदर एक ही कॉलम हो, ऐसा कॉलम होगा जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, जैसे A11, A12, A13 अप टू सोन A1M, तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास एक कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज एंड कॉलम बराबर नहीं होते। जैसे कि यहाँ लिखा है हमने, अगर एम बराबर नहीं है एन के, और एम क्या है रोज है, और आर क्या एन क्या है कॉलम्स हैं, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं, अगर किसी कॉलम के रोज और कॉलम बराबर नहीं है, रोज नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमारे पास वो रेक्टेंगुलर होगी। जैसे कि हमारे पास है ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास है जी, इसमें दो रोज हैं और तीन कॉलम हैं, और इसमें तीन रोज हैं और दो कॉलम हैं, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह स्क्वेयर मैट्रिक्स है, तो स्क्वेयर मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास कैसी होगी, स्क्वेयर मैट्रिक्स में जब एम इक्वल टू एन हो जाएगा ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, स्क्वेयर मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर एम बराबर एन है देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वेयर मैट्रिक्स। दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ठीक है। ये जो मिसाल हमने दी थी ये रेक्टेंगुलर के लिए थी, स्क्वेयर मैट्रिक्स है। अगर मेरे पास एम और एन की तादाद बराबर है तो उसे हम स्क्वेयर मैट्रिक्स कहेंगे, और दैट इज दूसरे लफ्ज हम कहेंगे नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल में लिखिए आप 0 1 1 0, ये स्क्वेयर मैट्रिक्स है 2 बाय 2 की ठीक है। अच्छा जी, ये एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है 1 बाय 1 की, जनाब 1 2 3 ठीक है, -7 2 1 0 1 0, ये 3 बाय 3 ऑर्डर की है। अब इसके अंदर आपको एक और चीज बतानी है, डायगनल। डायगनल क्या होता है जनाब, डायगनल मैट्रिक्स के मतलब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ये समझे कि डायगनल या प्रिंसिपल डायगनल होता क्या है। अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स मौजूद है a11 a12 a13 अप टू सो ऑन a1n, तो a21 a22 a23 अप टू सो ऑन a2n, तो यहां से आप चलते जाएं तो आपके पास am1 am2 ठीक है, am3 इसी तरह आपके पास आ जाएगा amn। तो ये जो दरमियान वाला मैट्रिक्स बनेगा आपके पास, इसको हम कहेंगे डायगनल ठीक है, ये मेन डायगनल होता है सही है। किसी भी स्क्वेयर मैट्रिक्स के अंदर डायगनल होता है, डायगनल जो है वो हमेशा स्क्वेयर मैट्रिक्स के अंदर ही बनेगा, ये डायगनल है। अगर आपने यहाँ पर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखती है ठीक है, तो इसका कोई भी डायगनल नहीं बनेगा। डायगनल जो है वो एक स्क्वेयर मैट्रिक्स का बनता है, और हम जब डायगनल की तारीफ करते हैं तो हम वहां कहते हैं कि अगर कोई भी मेरे पास स्क्वेयर मैट्रिक्स है ठीक है, और उसके जो लीडिंग एंट्री के अलावा तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं, वो तो वो हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स बन जाती है। डायगनल मैट्रिक्स है, देखिए आपको मैंने भी कहा था कि स्क्वेयर मैट्रिक्स को ही डायगनल मैट्रिक्स बन सकती है, तो यहाँ हमने सपोज कर लिया है कि ये एक मैट्रिक्स है और ये एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर एन है जनाब, ये डायगनल होगी
जब आई बराबर आई जे जो है, ए आई जे बराबर जो है वो 0 होगा, ए आई जे तमाम एंट्रीज 0 होंगी किसके लिए, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। मतलब कि आपके पास एक मैट्रिक्स, अगर मैं इसको लिखने बैठ जाऊं तो 1 1 जो बराबर नहीं होंगे वो सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है, वो सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसी तरह 2 2 0 0, 3 3 बाकी सारे 0। तो इस तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी जिसके जो है वो प्रिंसिपल डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल बनेगा उसके ऊपर वाली तमाम एंट्रीज और नीचे वाली तमाम एंट्रीज जो होंगी वो 0 होंगी, ठीक है। तो इसमें जो है वो तमाम एंट्रीज जो है ए आई जे वो इक्वल टू 0 है अगर आई नॉट इक्वल टू जे होगा, और एटलीस्ट 1, कम अज कम एक, ये जो मैंने लिखे हैं इनमें से कम अज कम एटलीस्ट 1 ए आई जे जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा किसके लिए, जब आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा। जब आई इज इक्वल टू जे होगा तो जो एंट्रीज डायगोनल की एंट्री बनती है, ये आपको भी पता है कि ये डायगोनल की एंट्री बनती है, तो आई जो है वो, तो डायगोनल में कम अज कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। मसलन अगर आप ये कहते हैं कि 0 1 ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये गलत बात है, इसमें ये जो है वो 0 0 डायगोनल है। अगर अगर ये ऐसे है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके हम एक और मिसाल ले लेते हैं, तो ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल है और प्रिंसिपल डायगोनल में जो है वो ये 2 एंट्री जो है वो नॉन जीरो है। अगर कोई, अगर यहाँ पर भी 0 होता तो फिर भी ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होना था, लेकिन अगर ये सारे 0 हो जाते तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होना था, बल्कि ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स होनी थी। नेक्स्ट हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है उसके तमाम डायगोनल के एलिमेंट अगर एक ही नंबर हो, ठीक है, एक जैसा नंबर हो, मतलब कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होगा मेरे पास, ठीक है, जिसमें जो है वो ए आई जे जो है वो इक्वल टू के होगा फॉर ऑल आई इक्वल टू जे के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारे पास स्केलर की मसला, इसकी मिसाल ले लेते हैं हम, मतलब कि 7 0 0 7 एक स्केलर मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, 5 0 0 0 5 0 0 0 5 ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। अगर हम इसको जनरल करें तो हम यहाँ पर के लिख सकते हैं इसकी जगह पर, कोई भी के 0 0 की, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। देखिए डायगोनल में तमाम अरकान जो हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स क्या है, ऐसा स्केलर मैट्रिक्स, देखें हर डेफिनेशन पिछले वाले नाम से रिलेटेड है। यूनिट मैट्रिक्स ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है, ये आपने अभी अभी देखा, ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है, अभी देखा आपने, आई जे बराबर के था फॉर ऑल आई बराबर जे के लिए। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा कि के जो है वो 1 के बराबर हो जाए तो वो यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए 1 0 0 1, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जितनी बड़ी मर्जी है उसमें जो है वो हर जगह पर 1 ही आएगा। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो 1 1 होगा, तो ये यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी। नल मैट्रिक्स क्या है, जिसकी तमाम एंट्रीज जो है वो 0 हो वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल मैट्रिक्स की बात करते हैं अब हम, इक्वल मैट्रिक्स में आपको पता है
एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम रोज और कॉलम्स बराबर हों और उसकी तमाम एंट्रीज भी बराबर हों। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स में अगर आपके पास ए बराबर बी के होगा तो उसमें ए आई जे बराबर बी के एल लिख लेते हैं फॉर ऑल, जो ए आई जे जो है वो बी के एल के बराबर होगा। ठीक है, तमाम आई जे के और के एल के लिए, सही है। तो ये इक्वल मैट्रिक्स की थी। इक्वल मैट्रिक्स में आपने ये देखना है कि तमाम एंट्री जो है वो एक जैसी होनी चाहिए।